हेलो गाइस, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ड्यूअल हॉर्न कटआउट से कैसे जोड़ेंगे वो आपको दिखाएंगे। सो गाइस, ये ड्यूअल स्पॉट हॉर्न है का कनेक्शन हम कटआउट से करेंगे। तो कटआउट ये वाला डिजिटल कटआउट है, इस पिन से कनेक्ट होता है। इसका कांटेक्ट हम सीधा हॉर्न से करेंगे। ये हॉर्न स्विच है, हॉर्न स्विच का कनेक्शन हम करेंगे। ये बैटरी है, बैटरी के दो कनेक्शन हमने पॉजिटिव के पहले से करके रखे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो बैटरी का कनेक्शन सीधा हम कटआउट से जोड़ते हैं। बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्शन करने के बाद कटआउट में हम अब कटआउट से उसका ऑफ वायर कनेक्ट करेंगे हॉर्न के साथ। अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने कलर कोड वायर का इस्तेमाल किया है। कटआउट में से ऑफ वायर को निकालने के लिए हमने वाइट वायर का इस्तेमाल किया है ताकि समझ में आए ये जो ऑफ वायर है सीधा हॉर्न में जाएगा। ये दो हॉर्न है, इसमें हम लगाते हैं। सो गाइस, ये पॉजिटिव वायर है जो कटआउट ऑपरेट होने के बाद ऑफ वायर होके सीधा हॉर्न में कनेक्शन होगा इसका। ये कटआउट का रिले ऑपरेट होता है तो उससे बैटरी का पॉजिटिव मेन पावर हॉर्न को मिलता है और सीधा पावर मिलने से उसका आवाज़ क्लियर आता है। तो हम कनेक्शन करेंगे अब हॉर्न स्विच का। अब हॉर्न स्विच में हम पॉजिटिव वायर लगा रहे थे और इससे हम रिले पर लगाएंगे। तो गाइस, कभी कभी कोई व्हीकल में नेगेटिव वायर का उपयोग होता है हॉर्न स्विच में और किसी में पॉजिटिव का होता है। तो गाइस, हम अभी यहाँ पॉजिटिव का उपयोग कर रहे हैं हॉर्न स्विच में लगाने के लिए। और टू व्हीलर व्हीकल में ज़्यादातर क्या है, अर्थिंग वायर का ही उपयोग होता है हॉर्न में लगाने के लिए। हॉर्न स्विच में अर्थिंग वायर का ही कनेक्शन होता है। तो अभी हम पॉजिटिव वायर को हॉर्न स्विच में होकर हॉर्न के कटआउट में लगाते हैं। अब हम अर्थिंग वायर को सीधा हॉर्न पे लगाएंगे, दोनों हॉर्न पे लगाएंगे। अर्थिंग को दोनों हॉर्न में जोड़ने के बाद हम अब उसको कटआउट से होके बैटरी पे जोड़ देते हैं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।